शुरू करते हैं। हरि कृष्ण नाम का एक किसान था, उनको तीन बेटे थे। हरि कृष्ण की अच्छी खेती थी, वो बड़े मेहनत से खेती करता था, लेकिन उसके तीनों बेटे कुछ काम नहीं करते थे, आपस में झगड़ा करते थे, अपने पिताजी की बात नहीं सुनते थे। अभी हरि कृष्ण जी की उम्र हुई, इसलिए उसको चिंता होने लगी कि मेरे जाने के बाद ये कैसे रहेंगे, ऐसे ही झगड़ते रहेंगे तो एक दिन बर्बाद हो जाएंगे। फिर उसने एक तरकीब सोची, तीनों को बुलाकर हाथ में एक एक लकड़ी दी और बोला, इसे तोड़ो। तीनों ने आसानी से तोड़ी। फिर हरि कृष्ण ने तीन तीन लकड़ी एक साथ बांधकर तीनों को दी और बोला, अब इसे तोड़ो। तीनों ने बहुत प्रयास किया पर नहीं तोड़ पाए। तो तीनों को समझ में आया कि हम मिलजुल कर काम करेंगे तो हमें कोई हरा नहीं सकता और हमारा कोई नुकसान भी नहीं हो सकता। इसी कहानी में शिक्षा मिलती है, हमें मिलजुल कर काम करना चाहिए। थैंक यू।